नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। विशेष में आज हम बात करेंगे, क्या आपने WWE की कुश्ती देखी है? जरूर देखी होगी, लड़ाइयां देखी हैं, जरूर देखी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे बाउंसर्स की लाइव गुंडागर्दी। जी हाँ, क्लब वाले गुंडे, क्या किसी की बेरहमी से पिटाई करना जायज है? क्या लोकतंत्र पर अब लटतंत्र हावी होता जा रहा है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो ने कई शर्मनाक चेहरे उजागर कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए एक रिपोर्ट। ये ना तो WWE की तस्वीरें हैं और ना ही किसी अखाड़े की, ये तस्वीरें हैं बाउंसर्स की गुंडागर्दी की, जो दिखा रही है कि आखिर कैसे साइबर सिटी गुड़गांव में कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कैसे अपने ही कानून के तहत सजा सुनाई जा रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीरें गुड़गांव की है, जहां एक युवक की क्लब के बाउंसर्स ने जमकर धुनाई कर डाली। GMD मॉल के आइकॉन क्लब के बाउंसर्स की गुंडागर्दी। बाउंसर्स ने एक युवक को दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीटा। 17 मार्च की रात की वारदात, CCTV फुटेज में कैद तस्वीरें। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज, अभी तक एक भी आरोपी नहीं गिरफ्तार। वहीं पुलिस से जब इस मसले पर सवाल किया गया तो मामले में कड़ी कार्रवाई की बात करते नजर आए। क्लब में तारीख 16-17 की रात्रि को रॉकी नाम का युवक, जो कि नाथूपुर का रहने वाला है, अपने दो दोस्तों के साथ क्लब में गया था। उस किसी बात को लेकर बाउंसर के साथ झगड़ा होना पाया गया और वहाँ वो सारी वारदात CCTV में भी कैद हो चुकी थी और पुलिस को इतला मिलने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। CCTV व अन्य तरीकों से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जल्दी ही पहचान करके दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन बाउंसर्स की बेरहमी की तस्वीरें सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या किसी की बेरहमी से पिटाई जायज है? क्यों अब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है? क्यों अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है आरोपी? क्यों लोकतंत्र पर लटतंत्र हावी हो जाता है? क्यों छोटी सी बात पर लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे विशेष में। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और संवाददाता नीरज वशिष्ठ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, इस मामले के बारे में और विस्तार से बताइए कि कैसे ये पूरा का पूरा जो मामला है वो आगे बढ़ा और अब लोग इतने बेरहम हो चुके हैं कि सरेआम किसी को भी मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। सबसे गौर करने इसमें ये है कि जो सहन शक्ति है लोगों की, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती रही है और बदलती जो शैली है, जीवन शैली है, इसके चलते जो है आज सहन शक्ति खत्म होती जा रही है और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। छोटी सी बात को लेकर ही किस तरह से जो है एक दर्जन से ज्यादा लोग एक दो युवकों को किस तरह से बेरहमी से पीट रहे हैं, ये वारदात सामने आई है। पहले भी विवादों में रहा है गुड़गांव के MG रोड से जितने भी पब एंड बार हैं, पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। गुड़गांव पुलिस ने मामले भी दर्ज किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाउंसरों के ऊपर जो लगाम लगानी चाहिए थी वो अभी तक लगती दिख नहीं रही है। आप इस तस्वीरों में साफ तौर से देखते हैं 16-17 मार्च की जो है ये वारदात है। एक दर्जन जो लोग हैं वो किस तरह से नाथूपुर के रहने वाले दो युवकों को सिर्फ संगीत चलाने के नाम पर जो है बुरी तरह से पीट रहे हैं। बिल्कुल नीरज, बेहद शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नीरज वशिष्ठ जुड़े हुए थे और इस वक्त फोन लाइन पर ACP हवा सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। ACP साहब, लगातार गुंडई की वारदातें सामने आती रही हैं, बाउंसर्स लगातार दो शख्स को पीटते रहे, उनको जमकर पीटा गया, इस मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अब तक? ये मैडम, इसका MG रोड का मामला है और
इसमें कार्रवाई मुकदमा दर्ज कर दिया गया है जी। और जो जैसे भी अभी सामने आ रहे हैं जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको हर हालत में अरेस्ट किया जाएगा और पहले भी जितने मामले हुए हैं उनमें सभी में कार्रवाई कानून संगत की गई है। लेकिन एसीपी साहब ठीक है, अच्छी बात है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और पुलिस आगे भी कार्रवाई करेगी, लेकिन ऐसे लोगों में कोई खौफ कानून का क्यों नहीं होता? आप देखिए 10-12 लोग मिलकर दो युवकों की जमकर पिटाई कर रहे हैं, अगर उनकी मौत हो जाती उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? इन लोगों पर कानून का कोई खौफ क्यों नहीं है? इनमें कानून का खौफ अवश्य होगा, ये गिरफ्तारी होते ही इनके ये नए नए आते रहते हैं जी, जो ये मार्क किए है जो आते हैं इनके, लेकिन हमले का इसका पता नहीं, बाउंसर जी। इनकी जब गिरफ्तारी होती है सबको कान खड़े हो जाते हैं, वो भविष्य के अंदर ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ऐसी हरकत हम करेंगे, ऐसी कानून संगत कार्रवाई की जाती है और की जाती है, ऐसा होगा तो उस किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, कानून अपना काम करेगा। हवा सिंह जी कब तक उम्मीद करें कि इस मामले में गिरफ्तारी हो पाएगी? हाँ जल्दी ही जो है ना इसमें गिरफ्तारी होगी और इसमें सभी पहलुओं पर सीसीटीवी वगैरह है और सभी पर ये की जा रही है। चलिए हवा सिंह जी बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। एसीपी गुड़गांव हवा सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और कह रहे हैं कि जरूर खौफ होगा ऐसे लोगों में, चूंकि ये नए बाउंसर्स आए हैं जिन्हें शायद कानून का पता नहीं है, लेकिन ये थोथी दलील है। हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी रणबीर सिंह शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रणबीर जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? नमस्कार, प्लीज पहुंच रही है। रणबीर जी लगातार गुंडागर्दी के मसले सामने आते रहे, खासतौर पर गुड़गांव में, यहां पर 10-12 लोगों ने मिलकर दो युवकों की जमकर सरेआम पिटाई की है, कानून का कोई खौफ नहीं है, प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है कि आप बेलगाम होते जा रहे हैं गुंडागर्दी अपराधी? मैडम समाज के अंदर सभी तरीके के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं जी। जब ये बुरे लोग आम तौर पे संगठित रहते हैं और अच्छे लोग अलग अलग होने की बात से उनको इकट्ठे ना होने की वजह से ये बुरे लोग उन पे हावी रहते हैं, चाहे वो राजनीतिक लेवल हो, चाहे सामाजिक लेवल हो, चाहे व्यापारिक लेवल हो, और यही क्राइम के अंदर होता है। जहां तक सवाल प्रशासन और पुलिस का है, निश्चित रूप से उनका ये कहीं ना कहीं फेलियर रहा है। अगर ऐसी गुंडागर्दी होती है तो उन्हें ठोक के कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहले FIR दर्ज करें, FIR दर्ज करके जो जो हमारे पास फुटेज है सीसीटीवी की या आसपास के गांव की या मौके पे सबूतों की, उनको साक्ष्य से लेकर के फौरी उन्हें गिरफ्तारी डालनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी डालने में कोई परेशानी है, नहीं वो मिल रहे हैं, नहीं कहीं पा रहे हैं, तो उनके जो घर वाले उन्होंने छूट दे रखी है उस गुंडागर्दी करने की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको सम्मन करिए 161 के तहत, 160 के तहत नोटिस दीजिए, 160 के आरपीसी का पुलिस को कहिए और उनको शामिल तफ्तीश करें कि आपके बच्चे कहाँ है, आपने आवारा क्यों छोड़ रखे हैं, आपने ये बच्चे ऐसे औलाद क्यों पैदा कर रखी जो लोगों को मारती पीटती है और गुंडागर्दी फैलाती है। इस पहलू को सामाजिक तौर से भी उठाना चाहिए और कानूनी तौर से भी हमें उठाना चाहिए, तभी इन बदमाशों को निकलती चाहिए। लूप होल्स सर आप कहाँ कहाँ देख पा रहे हैं, वो कौन कौन से लूप होल्स हैं जो अब तुरंत लोग जो है सजा का फरमान सुना देते हैं या फैसला अपने हाथ में ले लेते हैं, कानून अपने हाथ में ले ले, ये मानो एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि किसी से कहा सुनी हुई तो आपने ऑन द स्पॉट उसको मार दिया या उस पर बुरे तरीके से टूट पड़े, आपने मार पिटाई कर दी, ये ट्रेंड सा बन गया है जो खतरनाक ट्रेंड है, आपको नहीं लगता? बिल्कुल खतरनाक ट्रेंड है। सबसे पहले राजनीतिक नीयत और नीति, जो राजनीतिक लोग आशासन प्रशासन के अंदर है सबसे पहले उनकी नजर सीधी होनी चाहिए, उनकी नियत साफ सुथरी होनी चाहिए कि अगर गलत होगा तो गलत को गलत कहा जाएगा और ठीक को ठीक कहा जाएगा, वोट बैंक बीच में नहीं आएगा। नंबर टू, सामाजिक लेवल, सामाजिक जो हमारी संस्थाएं हैं, एनजीओस हैं, उनको भी इस बात के लिए आगे आना पड़ेगा कि जहां गलत हो रहा है उस मुद्दे को जोरदार पैरवी करके उठाए और प्रशासन मदद करे जो नहीं हो रहा है। नंबर तीन, प्रशासनिक लेवल पे, अब प्रशासनिक लेवल का ये समय आ गया है कि जहां गलत है तो आंखें ना बंद करें, जहां गलत हो रहा है तो सिफारिशें ना मानें, जहां गलत हो रहा है तो इन नेताओं की चिंता ना करें और ठोक के लिए खिलाफ कार्रवाई करें। जब तक ये तीन काम नहीं होंगे सामाजिक लेवल पे, राजनीतिक लेवल पे, प्रशासनिक लेवल पे, ये गुंडे अपने कानून हाथ में लेते रहेंगे जी। रणबीर जी आप फोन लाइन पर जुड़े रहिए, हम आपसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ वकील नम्रता गौड़ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। नम्रता जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है?
हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी नम्रता जी, आजकल एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, लोकतंत्र पर लठतंत्र हावी होता दिख रहा है। जहां पर भी पब्लिक को मौका मिलता है वो कानून अपने हाथ में लेकर फैसला ऑन द स्पॉट सुनाते हैं। कैसे देखा जाए इन तमाम मसलों को जो आजकल सामने आ रहे हैं? गुड़गांव में देख लीजिए, डांस क्लब में 10 से 12 बाउंसर्स ने 2 युवकों की बड़ी बेरहमी से पिटाई की है, जमकर पिटाई की है, और वो मरने की हालत में पहुंच गए हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, ये जो अब आजकल जो चल पड़ा है ट्रेंड मार पिटाई का, ये बहुत ही गलत है। और अब जो ये बाउंसर्स रखने लग गए हैं, तो इसको पहले तो लोगों ने शोशे के रूप में रखा, कोई 2 रखता है, कोई 4, कोई 8, शोशे के रूप में रखा। लेकिन अब ये उन्होंने एक तरह से गुंडागर्दी के रूप में इनको रख लिया है। कोई आता है तो उसको मारो पिटो, और बाउंसर सब मार पिटाई के लिए प्रॉपर इन्होंने अब रखने लग गए हैं लोगों पर गली जमाने के लिए, जो की बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से बाउंसर्स को सिर्फ ठीक है रखो, तब रखो जब कोई उपद्रव मचाए, कोई कोई व्यक्ति कोई मारने के लिए आए, वो ग्रुप मारने के लिए आए, तब समझ में आता है कि आप बचाव करो, उसके अपने पक्ष रखो अपना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप निर्दोष लोगों को या थोड़ी सी भी कहा सुनी भी आप किसी को इतना हद तक मार दो तो जिंदगी और मौत के बीच में जूझने लगे, जो कि बहुत ही अपने आप के अंदर गलत बात है। और अब इनकी FIR भी नहीं हो पा रही है, जो ये भी बहुत ही गंभीर विषय है। इस तरह के तो बिल्कुल सुओ मोटो ले लेना चाहिए और इसके अंदर फौरन FIR होनी चाहिए, और अगर नहीं हुई है तो इनको आला अधिकारियों से संपर्क करके करवानी चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस चलो अगर कोई कारण ऐसा रह भी जाता है कि पुलिस नहीं करती है, तो मैं कहूंगी इसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कोर्ट से पहले पुलिस की कार्रवाई ही होनी चाहिए। किसी किस्म का भी बचाव का कोई भी रास्ता इनको जो है उपद्रवियों को जो बिल्कुल। अमृता जी आप फोन लाइन पे बने रहिए, हम बातचीत आपसे भी जारी रखेंगे। आप जुड़ी रहिए हमारे साथ, रणवीर सिंह शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। रणवीर जी, जैसा कि नम्रता जी ने भी पॉइंट आउट किया, कानून की कमजोरी, प्रशासन की लापरवाही, आमतौर पर ऐसे मामले दर्ज नहीं किए जाते, और अगर दर्ज भी किए जाते तो उसमें हिलावाली की जाती है, तो फिर क्यों ना इस तरह के मामले बढ़े? एक्चुअली जब कानून की ढील रहेगी तो इस प्रकार के मामले बढ़ेंगे, तो इन लोगों को जो जिनकी जिनके साथ गिरिवास किए, जिनके साथ चोट लगी, उन लोगों का 156(3)(CRPC) में वकील साहिबा ठीक कह रही है, फौरी कोर्ट के दरवाजे खोले 156(3) के अंदर, वहां से भी मजिस्ट्रेट कार्रवाई करके और FIR दर्ज करा सकते हैं और गिरफ्तारी का ऑर्डर दिए जा सकते हैं, बशर्ते कि वो बात सही हो जी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यही बात प्रशासनिक तौर से हम कह रहे हैं और आपके मीडिया की तरफ से हम ये बात कह रहे हैं कि भी प्रशासनिक ढील को बर्दाश्त ना किया जाए। अकाउंटेबिलिटी एक बहुत जरूरी जवाबदेही, उस इलाके के लोग जिनके यहाँ ये डांस बार हो रहे हैं और जहाँ पे ये गुंडागर्दी बाउंसरों की हो रही है, उसकी थानेदार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाए कि वो इस प्रकार की गुंडागर्दी क्यों बर्दाश्त कर रहा है। अगर आप एक भी अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही फिक्स करेंगे तो अगली दफा कोई भी थानेदार वहां नहीं होने देगा। बिल्कुल, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी पे बात करेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, आप फोन लाइन पर बने रहिए। नम्रता जी आप भी फोन लाइन पर बने रहिए, आप दोनों खास मेहमानों से हम ब्रेक के बाद भी बातचीत करते रहेंगे। जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए विशेष। ₹2016 के लिए ICS कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। एक साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ICS कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। ICS कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा, टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं, वे अप्लाई कर सकते हैं। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुंचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया, 8 कट्टे इसके अंदर डाले थे। गांव के किसान ने अपना बिजाई किया था, ईंट के अंदर इतना फर्क है कि हमारे मतलब 3, 5, 6, 7, 8, 9 में दे जी उसको, मतलब कि 3 या 4 है मतलब के सरताज जिप्सम को यूज कीजिए आप। सरताज जिप्सम नेचुरल इम्पोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू?
अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई, अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है। भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए, पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना, मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? Well, मिस्टर खुददार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ, लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास। रीवा, अ मेटिंग फोर्स इन स्टाइल। बस आप और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने डीला भी खत्म कर देता, सब बूटियां दी उम्र ही बता देती है। वाह भी वाह सरताज जिस्म ने कमाल कर देती है। सरताज जिस्म ने बल्ले बल्ले कराते खेचा। सरताज जिस्म वाले पठिया ने ते मज्जा दा दुध ही बता देता। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। या तो क्लब वाले गुंडों की हम बात कर रहे हैं, गुंडागर्दी खुलेआम लाइव है, तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और कुछ ऐसा ही आपराधिक बोलबाला प्रदेश में लगातार देखने को मिल रहा है। सवाल यह है कि क्यों अब लोकतंत्र पर लटतंत्र हावी होता जा रहा है। 17 मार्च की रात की यह वारदात है, सीसीटीवी फुटेज में ये तस्वीरें कैद हैं जो ये बयां करने के लिए काफी हैं कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ फिलहाल अब मामला दर्ज कर लिया है और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि क्यों पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, क्या किसी की बेरहमी से पिटाई जायज है। अहम सवाल ये है क्यों अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, हालांकि कार्रवाई की दुहाई जरूर दे रहे हैं। एसीपी आवास सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, कह रहे हैं कि पकड़ लिया जाएगा लेकिन अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है आरोपी, ऐसा क्यों है, क्यों लोकतंत्र पर लटतंत्र हावी हो जाता है, क्यों आजकल फैसला ऑन द स्पॉट किया जाता है, किसी भी कानून की या प्रशासन की दखलअंदाजी नहीं हो पाती है उसमें और लोग अपने आप से ही फैसला करने लग जाते हैं। आप देखिए कितनी बेरहमी से शख्स को पीटा जा रहा है। ये तस्वीरें हैं गुड़गांव के एक नामी क्लब की, जहां पर बार की, जहां पर कुछ लोगों की कहा सुनी हो गई बाउंसर्स से और बाउंसर्स ने मिलकर इन दो लोगों को जमकर पीटा है। लगातार सवाल जवाब इस पर किए जा रहे हैं, लगातार हम सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये किस तरह की परिपाटी है जो अब एक परंपरा सी बन चली है, एक परिपाटी सी बन चली है कि लोग उसी लीक पर, उसी ढर्रे पर आगे बढ़ रहे हैं, लोग अब फैसला ऑन द स्पॉट। इससे पहले भी हमने आपको कई तरह की तस्वीरें दिखाई थी जिसमें एक बच्चे ने कार पर खरोच मार दी तो उसकी जमकर पिटाई की गई, एक बुजुर्ग की पिटाई की गई, इस तरह की कई तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं और सवाल जस का तस बना रहता है कि क्यों अब लोकतंत्र में लोग इस हद तक उतारू हो जाते हैं मरने मारने पर कि उन्हें अब किसी भी बात का होश नहीं रहा। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है लेकिन इस कार्रवाई का कोई खौफ होता दिखाई नहीं दे रहा। डांस क्लब की ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, डांस क्लब में ये दे दनादन हो रहा है, दो युवक बड़ी बेरहमी से पिट रहे हैं, बचाव अपना खुद की करने की कोशिश की लेकिन वो बचाव भी नहीं हो पाया। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए थे जिनसे हमने बातचीत की और एक एक बात जो निकल कर सामने आई है वो बात यह है कि अब ऐसे लोगों में कानून का कोई खौफ नहीं है। हमारे साथ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अश्विनी गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आवाज पहुंच रही है आप तक? डॉक्टर अश्विनी गुप्ता जी आप सुन पा रहे हैं हमें?
हाँ जी सुन पा रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब अब एक ट्रेंड सा बन चला है कि लोग फैसला ऑन द स्पॉट कर रहे हैं, इस फैसले के पीछे क्या आप देख पा रहे हैं? बेरहमी पर कहीं किसी की पिटाई कर दी जाती है, कहीं चोरी के आरोप में जो शख्स पकड़ा जाता है उसका न्याय भीड़ खुद करने पर उतारू हो जाती है, इस तरह का जो एक ट्रेंड चल पड़ा है, आखिर इसमें बदलाव क्यों नहीं होता? पहले तो ये ट्रेंड बहुत डेंजरस है जी, और दूसरा है कि ये कारण क्या है कि लॉ जो है बहुत स्लो हो गई है रिएक्शन लेने के लिए। इसकी वजह से जब भी लोगों को मौका मिलता है वो लॉ अपने हाथ में ले लेते हैं, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि वही चीज जो गुंडे कर रहे हैं वो आम आदमी करना शुरू कर देंगे, तो इसको रोकना बहुत जरूरी है जी। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लॉ मेकर्स हैं और जो हमारी जगह की पुलिस है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर होनी चाहिए, जो कि सैडली नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप देखें जो भी पिट रहे हैं या जो भी हैं वो सारे के सारे इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं। लोगों को ये डर रहता है कि इनको अगर हमने अंदर कर दिया वो दो मिनट बाहर आएंगे फिर वही चीज करेंगे, तो ये मॉब मेंटेलिटी इसलिए बढ़ती जा रही है कि ऑन द स्पॉट जस्टिस देने के लिए, बट इन द लॉन्ग रन अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड डेंजरस होता जा रहा है। बिल्कुल, और हमारे लॉ मेकर्स को ये देखना चाहिए कि पॉलिटिक्स को लॉ से दूर रखना चाहिए, जैसे कि बाहर के देशों में होता। बिल्कुल, चलिए डॉक्टर अश्विनी गुप्ता बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अश्विनी गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे हैं कि ये ट्रेंड कितना खतरनाक है, और दो अहम कड़ियां उन्होंने इसमें बताई हैं। पहली कड़ी ये है कि प्रेशर तो होना चाहिए, कानून का खौफ तो होना चाहिए, जब पॉलिटिकल प्रेशर भी कई मामलों में आ जाता है, जब पॉलिटिकल रसूख वाले लोग इस तरह से ये कारनामे करते हैं, तो जब इस तरह की चीजें आ जाती हैं तो वो ट्रेंड और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आप देखिए युवक की पिटाई कैमरे में कैद हुई है, बावजूद इसके पुलिस के हाथ में सीसीटीवी फुटेज है, वो लोग पहचान में हैं जिन लोगों ने पिटाई की है, इन सब के बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जो साफ साफ ये बता रही है कि कानून की कमजोरी जिस पर से अब लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, शायद यही वजह है कि लोग अब फैसला ऑन द स्पॉट लेने लगे हैं। लेकिन ये ट्रेंड खतरनाक है और ऐसे किसी भी ट्रेंड का समर्थन नहीं किया जा सकता। अब इस मामले में देखना होगा कि पुलिस कितनी त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ती है। इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। Da 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 da